यस बेटा, गुड आफ्टरनून। ये देखिए बेटा, कुछ कल वाला तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि और अच्छा आपको समझ में आए। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किया बेटा, अभी सिलेबस ही स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक बच्चे हर्षित का ये डाउट था, बोला सर सिलेबस कब स्टार्ट करोगे, तो सिलेबस ही स्टार्ट है। ये तो एक दो बच्चे जैसे जो है, इन्होंने कहा कि सिक्स चैप्टर पहले सभी स्कूल्स में बेटा पहले यही करवाया जाएगा, या तो फर्स्ट फिफ्थ सिक्स, पहले छह चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगले, पहले फर्स्ट सिक्स किए जाएंगे कंप्लीट। बेटा ऑडियो वीडियो ओके है सबको? यस बेटा, यस सर। ओके बेटा, थैंक यू बेटे। एक तो चैप्टर का जो मीनिंग था ये बताया था, रिकैप थोड़ा सा फास्ट इसको रिकैप करते हैं। तो ये सिलेबस स्टार्ट है, जैसे आप सिक्स कंप्लीट करेंगे फिर फिफ्थ करेंगे, क्या कोई और चैप्टर कहीं अगर कोई बच्चा ट्राई कर रहा है तो पहले वो करवा दिया जाएगा, लेकिन जगह पहले छह ही करवाए जाएंगे, फर्स्ट सिक्स में कोई करवाया जाएगा, सेकंड नहीं करवाया जाएगा कहीं पे भी। रिकैप, लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब लीनियर इन वन वेरिएबल, लीनियर इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में लीनियर है, लीनियर इन वन वेरिएबल। जैसे क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल होता है लीनियर इन वन वेरिएबल। लीनियर इन वन वेरिएबल का मतलब क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल क्या होता था? क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल वो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। लीनियर इन वन वेरिएबल क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। और इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है? जो इक्वल ना हो, लेस और ग्रेटर देन सी। ये था लीनियर इनइक्वालिटी, जो चैप्टर का हेडिंग है लीनियर इनइक्वालिटीज, ए एक्स प्लस बी लेस देन और ग्रेटर देन सी। ये है लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर का हेडिंग। एक आपको ये जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिसमें वो आपको बताया जा रहा है, कल ये एग्जांपल लिया गया था, टू लेस देन इक्वल टू फाइव, ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स? तो इसका मतलब ये होता है टू इज आइदर लेस देन फाइव और इक्वल टू फाइव। टू या तो फाइव से लेस है या फाइव के इक्वल है, टू फाइव से लेस है या फाइव के इक्वल है, दोनों में से एक होना चाहिए। दोनों तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, कोई भी दो नंबर हो भाई, एक दूसरे से लेस भी और इक्वल भी, दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रू है क्योंकि इसके अंदर लेस वाला ऑप्शन है, इसको आप ट्रू मानेंगे, टू इज लेस देन फाइव। फिर था बेटा फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टू इज लेस देन इक्वल टू टू, तो टू लेस देन टू है या इक्वल टू टू, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, इनफैक्ट इसमें इक्वल है तो ये ट्रू मानेंगे। अगर ये होता टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव तो ये फॉल्स था, क्योंकि टू ना तो ग्रेटर देन फाइव है एंड ना ही टू इक्वल टू फाइव है, दोनों में से कुछ भी नहीं, तो ये फॉल्स था। कोई कंफ्यूजन? तो ये फॉल्स था, ये ट्रू था। वन टू थ्री में कोई डाउट? वन टू थ्री नंबर पूछिए, कल बता दिया था। और देखिए बेटा फिर कोई प्रॉब्लम है वन टू थ्री में तो पूछिए बेटा आप, वन टू थ्री में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखें बेटा, एक ये चार्ट बेटे बार बार बता रहे हैं, इसमें रियल नंबर बार बार यूज हो रहा है। आपको केजी से टेंथ क्लास तक का चार्ट बताया था, फिर से एक बार देखिए। सबसे पहले सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर, जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद होल नंबर, इससे बड़ा सेट जिसमें जीरो वन टू थ्री फोर आते हैं, इससे बड़ा सेट इंटीजर जिसको कैपिटल जेड कहा गया था। इसमें क्या क्या आते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, जीरो और उनके नेगेटिव्स, ये आते हैं।
फिर बताया गया था रैशनल नंबर जिसको क्यू से डिनोट किया गया था, इसमें पी बाई क्यू के फॉर्मेट के क्वेश्चन थे, और एक था इरेशनल जो पी बाई क्यू नहीं था, पी क्यू क्या इसमें इंटीजर, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर था और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिवाइड बाय जीरो तो मैथ में वैसे भी पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या था बेटा, ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रूट टू, कई बच्चों को रहता है रूट टू बाई वन लिख सकते हैं, ये पी बाई क्यू हो गया, लेकिन पी इंटीजर नहीं है। रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसका नाम क्या था, रियल। इसमें रैशनल आ जाएगा या इरेशनल आ जाएगा, यू फॉर यूनियन, या तो रैशनल आ जाएगा या इरेशनल आ जाएगा। एक है फिर बेटा इससे भी सुपर सेट है जो आपको फिफ्थ चैप्टर में आएगा, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर थी, ये फिफ्थ चैप्टर है। तो कई बच्चा कहते हैं भी इससे भी ऊपर कोई सेट है क्या प्लस टू के अंदर, नहीं, दिस इज द लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछना है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, जो आपको फिफ्थ चैप्टर में बताया जाएगा। नंबर पूछिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए बेटा। काम को बेटे साथ साथ करेंगे, कल तो इंट्रोडक्टरी से था, साथ साथ करेंगे, कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेंगे। ये सबसे छोटा सेट, फिर उससे बड़ा सेट, इसमें जीरो और आ गया, ये इससे बड़ा सेट इंटीजर, ये उससे बड़ा सेट रैशनल, इसमें सभी इंटीजर आ गए, इसमें सभी होल नंबर नेचुरल आ गए। रैशनल इरेशनल का आपस में कोई लिंक नहीं है, रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसका नाम रियल, और रियल से बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे हम के वन कैसा नंबर है, वन कैसा नंबर है, वन इसको कहें नेचुरल है, इंटीजर है, इसको हम कहें रैशनल है, रियल है या आल, रियल है या आल, सभी है ये। आल वन टू थ्री फोर, all of the options, अगर हम ये कहें वन नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है, रियल है या सभी ऑप्शन हैं, तो सभी ऑप्शन आ गए। अगर हम वन रियल कहते हैं तो ब्रॉड माइंड होकर चल रहे हैं, और नेचुरल कहते हैं तो बिल्कुल और ज्यादा डेप्थ पर जा रहे हैं, तो वन नेचुरल भी है, वन सारा कुछ है इरेशनल को छोड़कर, वन इरेशनल नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू इरेशनल, बाकी सारा कुछ है, मतलब रियल भी है, रैशनल भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल भी है, ये सारा कुछ है। कोई डाउट, नो सर, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट फाइन, देखिए तो जैसे आप रब कर दिया, स्क्रीन सकते हैं बेटे आप, वैसे रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं आप लोगों को हम। फिर प्लस वन क्लास रिजल्ट, उससे पहले एक और देखिए ग्राफ, कल आपको ग्राफ नहीं बताए थे, ग्राफ देखिए बेटा, ग्राफ कैसे ड्रा करें, कल लाया गया था, आज बता रहे हैं आपको, ये भी आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए बेटा। ग्राफ ऑन रियल लाइन, या रिप्रेजेंटेशन,
कई बार वो लिख देता है ड्रा द ग्राफ ऑन नंबर लाइन या रिप्रेजेंटेशन। रियल लाइन पे रिजल्ट्स कैसे शो करेंगे? रियल लाइन क्या होती है? मतलब माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, इसके ऊपर हम सॉल्यूशन सेट कैसे शो करेंगे? तो फर्स्ट ग्राफ कर्ली ब्रैकेट कलेक्शन सेट एक्स सच दैट ग्राफ को हम कैसे शो करेंगे? रियल लाइन के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर ग्राफ को कैसे शो करेंगे? ग्राफ ऑन रियल नंबर, रियल नंबर पे कैसे शो करेंगे? देखो रियल लाइन के ऊपर ग्राफ को रियल लाइन पे कैसे शो करेंगे वो करते हैं एक्सप्लेन आपको। ग्राफ को रियल नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट एक्स इज सच दैट, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स सच दैट डॉट का मतलब सच दैट कंडीशन दैट सच दैट कंडीशन दैट एक्स जो है माइनस वन टू थ्री के इन बिटवीन है एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल है। इस कलेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस कलेक्शन को, इस कलेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस कलेक्शन को करते हैं बेटा एक्सप्लेन। अब देखिए बेटा, अगर हम ये लिखते हैं x इज लेस a इज लेस देन x इज लेस देन b, इसका क्या मीनिंग है बेटा? इसका मीनिंग है x चौंस खुली है तो ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन a है एंड x लेस देन b है। x a से ग्रेटर है और लेस देन b है। अगर नंबर लाइन ड्रा करें, ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, एक्स ए से ज्यादा है और बी से कम है, तो आप ये कह सकते हैं एक्स इन बिटवीन ए बी। एक्स ए और बी के इन बिटवीन है, एक्स इन बिटवीन ए बी, तो एक्स माइनस वन और थ्री के बीच में, अगर दो लेस के साइन आए तो हम क्या कहेंगे? x इन बिटवीन ए बी, x माइनस वन और थ्री के बीच में और नेचुरल नंबर है, x माइनस वन और थ्री के बीच में और नेचुरल नंबर है। तो कौन कौन से सॉल्यूशन आ गए बेटा माइनस वन और थ्री के बीच में? नंबर लाइन ड्रा करेंगे, माइनस वन और थ्री के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से? थ्री तो इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है, तो इनके बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से आए? वन टू थ्री। कोई डाउट है तो पूछिए। ये फर्स्ट कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वन टू थ्री आंसर कैसा है? नंबर पूछिए कोई डाउट है तो, वन टू फाइव में कोई डाउट है तो नंबर पूछिए, इसका क्या मतलब है? एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, एक्स ए से ज्यादा है और बी से कम है, एक्स ए से ग्रेटर है एंड बी से लेस है। नंबर लाइन ड्रा करें तो ए से ग्रेटर, बी से, ए के राइट में बी के लेफ्ट में, तो एक्स ए बी के इन बिटवीन है। तो ये एक्स माइनस वन और थ्री के इन बिटवीन है और नेचुरल नंबर है। माइनस वन और थ्री के इन बिटवीन और नेचुरल नंबर कौन से आ जाएंगे? यहाँ जीरो है, वन है, टू है, थ्री इंक्लूडेड है, थ्री के साथ इक्वल होता है, तो आ गया वन टू थ्री।
इस सॉल्यूशन सेट का, इस सेट का आंसर क्या है, कलेक्शन का आंसर क्या गया, 1, 2, 3। कोई डाउट? 1, 2, 3, 4, 5 पूछना काफी आसान, आपको केवल नंबर पूछना है। 1 से 5 तक कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेगा। 1 to 4 रब कर रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्स का आंसर जो है -1 और 3 के बीच में नेचुरल है, तो उसका क्या मतलब है 1, 2, 3। ग्राफ का क्या है कि एक अपना इम्पैक्ट रहता है बेटा, ग्राफ को देखते आपको पता लग जाता है क्या क्या आंसर है। तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखिए ये डॉटेड लाइन ड्रा कर रहे हैं, डॉटेड नंबर लाइन को बड़ा बनाना है। अब इसमें नंबर्स तो कई हैं, पर हमारा देखो इसमें कहीं ना कहीं 0 भी है, कहीं ना कहीं -1 भी है, लेकिन हमारा आंसर तो 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 को डार्क कर देंगे। इसको देखते ही नंबर तो इस पे इनफिनाइट है, पर हमारा आंसर कौन कौन सा है, 1, 2, 3। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस ग्राफ को देखते ही कि सॉल्यूशन का आंसर क्या है, 1 है 2 है 3 है, जिनको डार्क सर्कल किया गया, ये डार्क सर्कल किया गया 1, ये 2 को डार्क सर्कल, ये 3 को डार्क सर्कल, 1, 2, 3 को डार्क सर्कल किया गया है, तो ये आंसर है। ये जो डार्क सर्कल किया गया, डार्क जो ये मार्क किया हुआ है, सिर्फ 0, -1 ये इंक्लूडेड नहीं है, जो डार्क किया हुआ है ये इंक्लूडेड है। इस ग्राफ को देखते ही आप बता देंगे, इस ग्राफ को देखते ही कि आपका आंसर क्या है, 1, 2, 3। ये अगर आपको ध्यान हो, वैसे तो आप लोगों ने सेट हमारे से अटेंड किया, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट एक्सरसाइज, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफ पेपर पे हमने नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन या ग्राफ ऑन नंबर लाइन। 1, 2, 3 कोई डाउट, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, कल नहीं बताया था, ये ग्राफिकली हो गया। और देखिए बेटा क्वेश्चन, यही इंटरवल है लेकिन अब x बिलोंग्स टू रियल है, यही इंटरवल x बिलोंग्स टू रियल, x -1, 2, 3 x बिलोंग्स टू R। सेम क्वेश्चन लेकिन अब क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, रियल, x रियल नंबर, x belongs to real, तो क्या अब भी आंसर यही आएगा। ये ब्रेक लाइन क्यों लगाई, डॉटेड लाइन सी क्यों लगाई है, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, इनफिनाइट, 2.1, 2.2, 2.22, वो नहीं है। अगर लाइंस को डॉटेड लगा देंगे, ब्रेक करके लगा देंगे, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में नहीं है, ये कोड वर्ड्स हो गए बेटा। ग्राफ को देखते आपको पता लग रहा है आपके आंसर में 3 आंसर है, 1, 2, 3। ये क्वेश्चन x -1 से 3 तक के, और x क्या है, रियल नंबर, x रियल नंबर है, इसको कैसे शो करेंगे। तो इसमें इसमें तो केवल 3 नंबर थे, इसके कितने आंसर हैं बेटा, -1 से 3 तक के कितने आंसर हैं, इनफिनाइट, 1.1, 1.11, 1.12, 2.1, 2.22, 2.33। जब रियल आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। इसकी भी नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इसमें हम इस फॉर्म इस ढंग से तो नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में तो नहीं पाएंगे, क्यों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। तो लिखें कैसे, एक नंबर लाइन ड्रा करने, -1 पहले आता है लेकिन एक ब्लैंक सर्कल के साथ, जो -1 इंक्लूडेड नहीं है, 3 बाद में आता है एक डार्क सर्कल के साथ,
माइनस वन पहले और थ्री बाद में, थ्री डार्क सर्कल के बाद साथ, माइनस वन से थ्री तक। तो क्या आंसर लिखा जाएगा बेटा, कैसे शो करेंगे? इसमें डॉटेड लाइन है, बीच वाले सभी पॉइंट्स आ गए, तो जो ये पोर्शन है इसको डार्क कर दिया जाए। तो देखते ही हमें पता लग जाएगा आंसर किसके बीच में है, माइनस वन से लेके थ्री तक है। माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि एक ब्लैंक सर्कल है, होल सर्कल है और थ्री इंक्लूडेड। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं बेटा, बोला जब माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है, माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है, तो कई बच्चे सोचते हैं जीरो से स्टार्ट कर दे। तो जीरो से थोड़ी करेंगे, माइनस वन और जीरो के बीच में भी तो कई पॉइंट है। बोला भी माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है तो कहां से स्टार्ट कर दो, जीरो से कर दो, वो नहीं है। क्यों? माइनस वन और जीरो के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट है। तो बेटे सारे चैप्टर ना इंटर रिलेटेड है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे, खैर वो तो सारा दोबारा कराएंगे, मेनली सिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर इनइक्वेशन यूज हो रहा था, इनइक्वेशन कर रहे हैं तो सेट्स यूज हो रहा है थोड़ा बहुत। ये रोस्टर, ये कौन सी फॉर्म है, रूल फॉर्म। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं पा रहे क्यों, नंबर इनफाइनाइट है। ये ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी एक और नोटेशन, ब्रैकेट का यूज करते हैं। कल हमने क्लोज और ओपन इंटरवल बताए थे बेटा आपको। ब्रैकेट केवल कब यूज कर पाएंगे, रियल नंबर के केस में। जाना चल जा रहा अपना सेट कर देना। अब देखो माइनस वन तो लोअर लिमिट, माइनस वन तो लोअर लिमिट है और थ्री अपर लिमिट है। जो चीज इंक्लूडेड नहीं है उसके साथ छोटी ब्रैकेट, छोटा फाटक, ये इंक्लूडेड नहीं है। माइनस वन से आगे से साथ है, थ्री इंक्लूडेड है तो बड़ी ब्रैकेट, बड़ा फाटक, एंट्री क्लोज। तो माइनस वन से लेके थ्री तक माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है बट थ्री इंक्लूडेड। कोड वर्ड्स, जैसे आपको बताया ना क्लास में, आप बच्चे बात करते हैं कोड वर्ड्स में, मैथ के कोड वर्ड, माइनस वन से लेके थ्री तक माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है बट थ्री इंक्लूडेड है, लेकिन थ्री इंक्लूडेड है। माइनस वन टू थ्री, थ्री इंक्लूडेड है। इसमें यूज नहीं कर सकते ये ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कब यूज करनी है, जब रियल नंबर हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट, नंबर पूछिए आप, फर्स्ट एंड सेकंड में कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं बेटा, नंबर बोलिए आप। और देखिए बेटा, और देखिए थर्ड, एक्स सच दैट x greater than equal to minus 1 है and x belongs to z है। x greater than equal to minus 1 and x belongs to z है। इसको कैसे करेंगे देखिए, तो x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू माइनस वन, ग्रेटर देन माइनस, अगर रफली आइडिया ले तो ये माइनस वन कहीं ना कहीं आएगा। इसके बाद वाले सभी नंबर है, इसके बाद वाले सभी नंबर, इसके बाद वाले सभी इंटीजर्स हैं कौन कौन से बेटा, क्या आंसर लिखेंगे? माइनस वन है, जीरो है, वन है, टू है, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये कौन सी फॉर्म है, रूल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
तो बहुत अच्छे तरीके से यही चीजें थोड़ा सा प्लस टू में भी यूज होंगी, ये बेसिक्स हैं आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए बेटा, तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे। माइनस वन कहीं ना कहीं है डार्क सर्कल के द्वारा। नंबर लाइन ब्रेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीरो और वन के, वन और टू के बीच में भी इनफिनाइट नंबर है, 1.1, 1.11 ऐसे, इसलिए माइनस वन जीरो फिर वन टू, तो डॉट कितनी लगाएं बेटा हम, ये तो कई डॉट्स आ जाएंगी, तो हम क्या करते हैं यहां पे तीन डॉट लगा देते हैं। इन तीन डॉट का क्या मतलब है? एंड सोन अप टू इंफिनिटी। तो कोड वर्ड क्या होंगे, जो भी इस ग्राफ को देखेगा वो समझ जाएगा इसमें कौन कौन से नंबर है, माइनस वन जीरो वन टू एंड तीन डॉट मतलब एंड सोन अप टू इंफिनिटी, माइनस वन जीरो वन टू एंड सोन अप टू इंफिनिटी। यही ग्राफ फिर से, अब जेड की बजाय क्या आ जाएगा, रियल, वो देखिए कैसे ड्रा करेंगे। यहां तक ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। फोर्थ, यही चीज, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसको कैसे करेंगे बेटा देखिए, इसमें हम सभी पॉइंट्स तो नहीं लिख पाएंगे, इसकी रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, क्यों, नंबर इनफिनाइट है, माइनस वन जीरो वन ऐसे थोड़ी लिखेंगे, माइनस वन और जीरो से भी इनफिनाइट नंबर से लिख नहीं पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस वन तो सबसे कम है और सबसे ज्यादा क्या है, इन्फिनिटी, माइनस वन तो लोअर लिमिट है और इन्फिनिटी क्या है, अपर लिमिट। माइनस वन के साथ तो क्लोज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी के साथ कभी भी इक्वल का साइन नहीं आता तो हमेशा ओपन ब्रैकेट रहती है। ये नोटेशन हम कब यूज कर पाएंगे, देखिए ये वाली नोटेशन, माइनस वन टू इन्फिनिटी ब्रैकेट वाली कब यूज कर पाएंगे, अगर रियल नंबर है तो, रियल नंबर है तो ही हम ब्रैकेट यूज कर पाएंगे, यहां पे नहीं कर पाएंगे, इधर नहीं कर पाएंगे, इधर तो कर्ली ब्रैकेट ही लगेंगी, वन टू कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट कब लगेगी, जब रियल नंबर है। अब आप खुद भी सोचिए, माइनस वन से ज्यादा, देखिए माइनस वन से ज्यादा अप टू इन्फिनिटी, माइनस वन से ज्यादा अप टू इन्फिनिटी तक ही तो जाएगा, तो क्या कौन कौन से नंबर लेंगे माइनस वन टू इन्फिनिटी, माइनस वन से इन्फिनिटी तक हुआ ना बेटे, देखो ये माइनस वन से लेके अप टू इन्फिनिटी हुआ, तो क्या नंबर लेंगे आप, माइनस वन से ज्यादा इन्फिनिटी से कम। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे देखिए, ग्राफ, ग्राफ कैसे करेंगे, रियल लाइन पर कैसे करेंगे, जो हमारा कंसेप्ट था आज, नंबर लाइन को बड़ा बनाना है, माइनस वन कहीं ना कहीं है, ये इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल, इंक्लूड नहीं होता तो, इंक्लूड नहीं होता तो हम करते ब्लैंक सर्कल, खाली सर्कल, फिर खाली सर्कल लिया जाता, ये माइनस वन डार्क सर्कल और ये इन्फिनिटी, इसको आपने डार्क सर्कल, तो ग्राफ को देखने वाला समझ जाएगा इसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूडेड है, माइनस वन से लेके इंफिनिटी, ग्राफ वाला ये समझ जाएगा। आज आपको अभी तक चार ग्राफ बताए फर्स्ट लेक्चर के अंदर, चार ग्राफ, ये आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, चार ग्राफ बताए गए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता हो। फिर से देखिए, फिर से कीजिए कंसिडर, देखिए ये बताया गया ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑन नियर लाइन, यानी माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक जो आपके आंसर आते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो आंसर आते हैं, पहला क्वेश्चन था माइनस वन टू थ्री,
माइनस वन से थ्री तक जितने नेचुरल नंबर है, माइनस वन से थ्री तक तीन ही नेचुरल नंबर है, वन टू थ्री, डॉटेड लाइन लगाएंगे, डिसकंटिन्यूअस लाइन लगाएंगे, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस लाइन तो कब लगाएंगे, अगर रियल नंबर है, हमारे पास वन टू थ्री है, वन टू थ्री को डार्क कर दिया। यही क्वेश्चन फिर से, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास है रियल लाइन, यही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर टू, अब रियल लाइन है तो इसमें इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे, वो लिख नहीं सकते, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो माइनस वन से थ्री तक, माइनस वन सबसे पहले आ रहा है, थ्री बाद में आ रहा है, माइनस वन के साथ ब्लैंक सर्कल, खाली सर्कल, और थ्री के साथ डार्क सर्कल। लिमिट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट, माइनस वन के साथ छोटी ब्रैकेट, थ्री के साथ बड़ी ब्रैकेट। थर्ड क्वेश्चन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है और एक्स इंटीजर है, तो बेटा क्या करेंगे, माइनस वन से ज्यादा इंटीजर तो कौन कौन से होंगे, माइनस वन खुद भी है, जीरो वन टू थ्री अप टू इंफिनिट, शो कैसे करेंगे, नंबर लाइन ड्रा की, माइनस वन जो वन टू, यहां तीन डॉट लगा दो, फिर से वही एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स रियल, वही क्वेश्चन, जो ये वो यहाँ है, जो ये वो यहाँ है, फर्क क्या है, यहाँ पे रियल है, रियल में आप ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं। तो क्वेश्चन फोर, माइनस वन से ज्यादा, तो अगर रफ आइडिया ले माइनस वन से ज्यादा, माइनस वन से लेके इनफिनिट, दो ब्रैकेट लगानी है, या तो छोटी ब्रैकेट लगानी है या बड़ी ब्रैकेट लगानी है, तो यहाँ तो बड़ी ब्रैकेट लगेगी क्योंकि इंक्लूडेड है, यहाँ छोटी ब्रैकेट लगेगी। नंबर लाइन ड्रा करें तो माइनस वन तो कहीं ना कहीं होगा, डार्क सर्कल अप टू इन्फिनिटी, तो माइनस वन से इन्फिनिटी तक आ गया। चार क्वेश्चन बोर्ड है, आपको नंबर पूछना पड़ेगा, कोई डाउट है तो बेटा, कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। ग्राफ्स में कोई डाउट है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन सेट को, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं, नंबर बोले आप, नहीं पूछ रहे तो हम मान के चलेंगे कि आपको समझ में आ गया, पूछिए आप, कोई डाउट है तो पूछे, लेकिन टेस्ट जब लेंगे तो टेस्ट में नंबर कम ना है, स्कूल में टेस्ट हो तो स्कूल में नंबर कम ना है, बहुत स्लो करवा रहे हैं, काफी स्लो। ठीक है बेटे, एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर से ज्वाइन करें एक बार।